नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस ने जादू टोना करने की धमकी देने वाले और धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। नागपुर के गौतम नगर भीवसनखोरी निवासी 62 वर्षीय माला शर्मा द्वारा गिट्टी खदान पुलिस थाने में किए गए शिकायत अनुसार उनके घर तेल बेचने आया 25 वर्षीय राज साहेब राज मंदी उर्फ गिरी महाराज ने बताया कि माया शर्मा की बेटी को भूत बाधा हुई है, इससे छुटकारा पाने के लिए पूजा करनी होगी। इसलिए आरोपी गिरी महाराज ने अपने सहयोगी आरोपी 35 वर्षीय रंजित को माया शर्मा के घर ले आया और पूजा के लिए 4 लाख लगेंगे ऐसा बताया। साथ ही पूजा के लिए 1 लाख मांगे और बाकी पैसे बाद में देने के लिए कहा, जिसके बाद शिकायतकर्ता को बार बार फोन कर पैसे की मांग की गई। साथ ही जादू टोना कर जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता माया शर्मा के शिकायत करने पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकार द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस स्टेशन गिट्टी खदाने थे भीवसनखोरी गौतम नगर येथील राहणाऱ्या महिलेने एक फिर्याद दिली की त्यांच्या मुलाला भूतबाधा झाली आहे, त्याचबरोबर त्यांच्या घरी गुप्तधन असून त्यामध्ये त्यावर शेष नागाचे जहर आहे, ते काढून देतो, त्यांच्या मुलाची भूतबाधा काढून देतो असे सांगून भोंदू महाराज 2 व्यक्तींनी तिची त्यासाठी 4 लाख रुपये लागतील असे सांगून त्याचेकरिता 1 लाख रुपये घेऊन फसवणूक केलेली आहे। त्या संदर्भात महिलेच्या फिर्यादीवरून सदर 2 व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे, त्यामध्ये एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे, दुसऱ्या आरोपीचा शोध पोलीस घेत आहेत। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।